In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में अजाफा फरमाए. Dear students, today our topic of discussion is what is partition and types of partition. यानी आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टीशंस क्या होती है और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट, पार्टीशन में हम अपनी हार्ड ड्राइव को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसे पार्टीशन बोला जाता है. पार्टीशन क्यों की जाती है और इसकी टाइप्स क्या है और इसकी रीज़न क्या है, इसको हम आगे देखेंगे. सबसे पहले मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ पार्टीशन क्या होती है. पार्टीशन इज़ अ डिस्क मैनेजमेंट तकनीक. यानी पार्टीशन क्या है कि आपकी हार्ड डिस्क को मैनेज करने की एक तकनीक है. ये डिस्क मैनेजमेंट एक तकनीक का नाम है जिसे हम पार्टीशन कहते हैं. इट इज़ अ लॉजिकल डिवीजन ऑफ हार्ड डिस्क. यानी पार्टीशन में हम क्या करते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव को लॉजिकली डिवाइड करते हैं. बेसिकली हार्ड ड्राइव एक होती है, लेकिन उस हार्ड ड्राइव को लॉजिकली डिवाइड कर लिया जाता है डिफरेंट पोर्शन में, जिसे हम पार्टीशन कहते हैं. पार्टीशन इज यूजफुल व्हेन यूजर वांट टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. पार्टीशन का बेनिफिट क्या होता है? पार्टीशन का बेनिफिट ये होता है कि अगर यूजर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम कंप्यूटर में यूज करना चाहता है तो देन पार्टीशन उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी. यानी आप विंडो 7 भी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं विंडो 10 भी यूज़ करें, तो इस तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पार्टीशन. तो डियर स्टूडेंट, ये होती है पार्टीशन. यानी हमने पार्टीशन में क्या करना होता है, अपनी हार्ड ड्राइव को लॉजिकली डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे पार्टीशन कहते हैं. पार्टीशन की दो टाइप्स हैं, एक होती है प्राइमरी पार्टीशन और दूसरी होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन. मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगा कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी पार्टीशन किसे कहते हैं. अ टाइप ऑफ पार्टीशन डैट कैन बी यूज्ड एज ए सिस्टम पार्टीशन. यानी ये जो प्राइमरी पार्टीशन होती है, ये सिस्टम पार्टीशन के तौर पर यूज होती है. सिस्टम पार्टीशन का मतलब ये है कि इसमें जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, आपके विंडोज़ हैं, वो इस प्राइमरी पार्टीशन में इंस्टॉलेशन उसकी होती है. इट कंटेन हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स रिक्वायर्ड टू लोड द विंडो. यानी हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ने परफॉर्म करने होते हैं, वो सारी के सारी इंस्ट्रक्शन, वो सारे के सारे प्रोग्राम इस प्राइमरी पार्टीशन में स्टोर होते हैं. और सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होते हैं, वो इसी प्राइमरी पार्टीशन से लोडिंग स्टार्ट होती है. दिस पार्टीशन क्रिएटेड टू ऑक्यूपाई एंटायर हार्ड डिस्क और पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क. डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो प्राइमरी पार्टीशन होती है, इसकी मदद से आप पूरी हार्ड डिस्क को भी अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं प्राइमरी पार्टीशन में, या हार्ड डिस्क के जस्ट कुछ पोर्शन को आप इसमें कंट्रोल में ले आते हैं, जिसे कहा जाता है प्राइमरी पार्टीशन. डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोई भी जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी 4 पार्टीशन हो सकती हैं, और वो चारों को चारों जो पार्टीशन होंगी, वो प्राइमरी पार्टीशन हो सकती हैं. लेकिन जो प्राइमरी पार्टीशन होती है, इसको मज़ीद सब पार्टीशन में डिवाइड नहीं किया जाता. क्लियर? यानी प्राइमरी पार्टीशन को हम मज़ीद सब पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स. यानी ये जो पार्टीशन होती है, ये फिक्स होती है. इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट आपके वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो फाइल जिन्होंने हार्डवेयर से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, वो फाइल इसमें स्टोर होती हैं. डियर स्टूडेंट, प्राइमरी पार्टीशन के बाद जो नेक्स्ट पार्टीशन है, वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है. उसको स्टडी करने से पहले मैंने एक डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन किया है प्राइमरी पार्टीशन को. देखें आप, ये जो हार्ड डिस्क का पोर्शन है, ये एज ए प्राइमरी पार्टीशन यूज़ हो रहा है. ठीक है, इसके बाद वाला जो पोर्शन है, वो एज ए एक्सटेंडेड पार्टीशन के तौर पर यूज़ होगा. इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं. इससे पहले प्राइमरी पार्टीशन को देखें ज़रा आप, कि प्राइमरी, ये हार्ड डिस्क का जो पोर्शन है, एज ए प्राइमरी पार्टीशन के तौर पे यूज़ हो रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्टीशन है, वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड पार्टीशन. अ टाइप ऑफ पार्टीशन डैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशन. ऐसी पार्टीशन जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब पार्टीशन में. यानी हमने ये पढ़ा था कि जो प्राइमरी पार्टीशन है, इसको हम सब पार्टीशन में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है, उसको आप मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं सब पार्टीशन में. इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड पार्टीशन.
इट ऑल्सो नोन एज लॉजिकल पार्टीशन, इसको हम लॉजिकल पार्टीशन भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड पार्टीशन जो हम करते हैं, ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए हम करते हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंडेड पार्टीशन को जो मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, हम डायग्राम की मदद से इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सटेंडेड पार्टीशन की क्या क्या डिटेल है, कैसे इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सटेंडेड पार्टीशन को स्टडी किया, हमने उसमें इस चीज़ को स्टडी किया कि ये एक्सटेंडेड पार्टीशन एक ऐसी पार्टीशन होती है जिसमें अपनी हार्ड ड्राइव को इन एक्सटेंडेड पार्टीशन को मज़ीद सब पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं और इसको लॉजिकल पार्टीशन कहते हैं। तो मैं इस चीज़ को एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। आपके सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें हार्ड डिस्क को शो करवाया गया है और प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन को शो करवाया गया। आप देख सकते हैं कि प्राइमरी पार्टीशन जो है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो रही सब पार्टीशन में, जैसा कि हमने स्टडी किया था कि प्राइमरी पार्टीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, इसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये आपके सामने हार्ड डिस्क का वो पोर्शन है जो कि एज ए प्राइमरी पार्टीशन के तौर पे यूज़ हो रहा है, जिसमें जितनी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फाइल्स होती हैं वो इसी प्राइमरी पार्टीशन में स्टोर होती हैं और जो भी हार्डवेयर से रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं वो इसी पोर्शन में होते हैं, जो इस पोर्शन में जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं ने परफॉर्म करवाने होते हैं। अगर आप इधर इस चीज़ पे गौर करें तो इधर आपको ये एक्सटेंडेड पार्टीशन नज़र आएगी। एक्सटेंडेड पार्टीशन को फिर हम मज़ीद डिवाइड करते हैं सब पार्टीशन में, जिसको हम लॉजिकल पार्टीशन भी बोलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पार्टीशन पे गौर करें तो इसको हमने मज़ीद ड्राइव्स में डिवाइड किया, यहाँ पे मज़ीद 3 ड्राइव्स हैं स्टैंडर्ड पार्टीशन की, जिनमें एक लॉजिकल ड्राइव ई है, लॉजिकल ड्राइव एफ है और लॉजिकल ड्राइव जी है। इस तरह जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है इसको हम मज़ीद लॉजिकल ड्राइव्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम की मदद से आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है और एक्सटेंडेड पार्टीशन को कैसे अल्फ़ाबेटिकली नेम असाइन होते हैं, जैसे इसको ई असाइन हुआ है, एफ असाइन हुआ है और जी असाइन हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पार्टीशन को डिस्कस किया कि पार्टीशन क्या होती है, और उसके बाद हमने प्राइमरी पार्टीशन को डिस्कस किया और उसके बाद हमने एक्सटेंडेड पार्टीशन को डिस्कस किया है, और आपके सामने मैंने डायग्राम की मदद से इन पार्टीशंस को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी और आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।